ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां इंदौर पुलिस ने तंत्र मंत्र कर महिला को झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं होने पर तांत्रिक ने उस पर भूत प्रेत का साया बताया और तंत्र मंत्र करने के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो आपको बता दें कि आस्था के नाम पर अंधविश्वास का एक और मामला सामने आया है, जहां तंत्र मंत्र के बहाने महिला के साथ में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सचिन शर्मा जुड़ गए हैं। सचिन, आस्था के नाम पर अंधविश्वास में परिजन इतना डूब गए कि उन्हें अपनी बहू का भी ख्याल नहीं रहा, क्या कुछ मामला है, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, ये पूरा मामला मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही सचिन? देखिए, ये बात करें कि इंदौर का पहला ऐसा मामला नहीं है जहां आस्था के नाम पर आम लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे ही कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। अभी लगातार ये इस महीने में दूसरा मामला ऐसा सामना है जिसमें एक आस्था के नाम पर एक क्रांतिक को उसे गिरफ्तार किया हुआ। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक महिला को शादी हुए कई साल बीत गए थे, लेकिन उसको बच्चों की प्राप्ति नहीं हो रही, जिसके चलते इन्होंने तांत्रिक का सहारा लिया था, जिसके चलते तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और कई पैसे भी ऐठे। इसके बाद से लगातार महिला को प्रताड़ित कर रहा था, पैसों के लिए प्रताड़ित कर रहा था और संबंध बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं इसमें बात सामने आई। महिला ने परेशान होकर हीरानगर थाने की शरण ली, वहां पर पूरे मामले की जांच करते हुए तांत्रिक इसमें दोषी पाया। इसके ऊपर 376 की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन, महिला का क्या कुछ कहना है, वो किसको इसके लिए जिम्मेदार मान रही है, परिवार वालों को या तांत्रिक को? देखिए, निश्चित रूप से ये आस्था के नाम पर ऐसा पहला मामला नहीं है, लेकिन इसमें सही बात करें तो इसमें आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। आम लोग इन चीजों से काफी दूर रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी इन तांत्रिकों तक इनको लेकर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मामला है जिसमें आस्था के नाम पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है। इसमें सबसे जरूरी बात, आम महिलाओं को, आम आदमी को इसमें जागरूक होना पड़ेगा ताकि ऐसे जो ठगोरे तांत्रिक है इनसे आम आदमी दूर रह सके। अमन जी, सचिन, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरह से महिला थाने पर पहुंची थी, इसकी शिकायत पहले ली गई थी, आवेदन दिया गया था, इसके बाद जांच चली। जांच के बाद इसमें आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा, उससे मेडिकल करवाया। कहीं ना कहीं इसमें पूरा दुष्कर्म का मामला सामना आया और जो आस्था के नाम पर तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है, कहीं ना कहीं ये घिनौना कृत्य है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। सचिन, 21वीं सदी में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास किया जा रहा है, क्या लगता है जागरूकता की जरूरत है? निश्चित रूप से इस पूरे मामले में इंदौर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता को जागरूक होने की बहुत जरूरत से आवश्यकता है। इससे पहले भी कई मामले इंदौर में ऐसे आ चुके हैं, चाहे इंदौर का चंदन नगर थाना क्षेत्र मशहूर है, यहाँ पर एक तांत्रिक है कई बार पकड़ा जा चुका है। ये भी आस्था के नाम पर लोगों को ठगता है, कई मोटी रकम इन लोगों से ठग चुका है, 3 बार ये जेल की हवा खा चुका है, लेकिन बाहर निकलते थे इसे इन्होंने कृत्य करना शुरू कर दिया था। अब ऐसे ही ताजा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र में आया था। पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आम जनता से भी अपील की है, ऐसे लोगों से दूर रहें और इन लोगों के चुंगल में ना फंसे और ना इन्हें रुपए प्रदान करें। सचिन, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, फिर भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता कि बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अमन जी, देखिए, जिस तरह से जागरूकता की बात करें तो आम लोगों में जागरूकता की इस पूरे मामले में कमी है। आस्था के नाम पर ऐसे खिलवाड़ करने वाले इंदौर शहर सहित मध्य प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जो आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं और बोलने वाले लोगों को अपनी चुंगल में फंसा कर उनसे पैसा ऐठते हैं और महिलाओं की बात करें तो उनसे दुष्कर्म तक के मामले से सामने आते हैं। आम आदमी भी मजबूर होता है, जैसे महिला की बात करें तो महिला को बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसके चलते ये आस्था के नाम पर उसके चुंगल में फंसी और दुष्कर्म का शिकार हुई। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की बात सामने आती है। हालांकि डीआईजी रुचि वर्धन मिश्र से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्परता से कार्रवाई करते हुए
थाना प्रशासन को भी बधाई दी। इसके अलावा ऐसे पुलिस प्रशासन ने भी अपील की है कि ऐसे लोगों के चुंबन में ना पड़े। जी सचिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि ठुंगी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि महिला पर भूत प्रेत का साया होने के चलते तांत्रिक ने महिला के साथ में दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दी कि मामला इंदौर से सामने आया है, जहां तंत्र मंत्र कर महिला को झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित के अनुसार उसकी शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं होने पर तांत्रिक ने उस पर भूत प्रेत का साया बताया और तंत्र मंत्र करने के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद ये मामला पुलिस ने संज्ञान में लिया और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी पर हमारे साथ में पंडित धनेश्वर दत्त जुड़ गए हैं। आपका सबसे पहले डीएनएन में बहुत स्वागत है। हेलो, आवाज आप तक पहुंच पा रही है धनेश्वर जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ पहुंच रही है। डीएनएन में आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है जी। जी, आस्था के नाम पर अंधविश्वास का मामला सामने आया है। महिला को 5 साल तक बच्चे नहीं हुए, जिसके चलते एक तांत्रिक ने महिला के साथ में दुष्कर्म किया। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? ये एक्चुअली हमारे देश में धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है ये जी। जब भगवान भगवान के नाम पर जो इस तरह के जो तांत्रिक बन जाते हैं, वो भोले भाले लोगों को इस तरह से बरगला के और भगवान के नाम से झूठा मतलब वो करके उनको अपने पूरे वश में करते हैं और इस तरह से उनके साथ में फिर ये इस तरह की घटनाएं होती है। हमें इसमें मेरा यही कहना है कि भगवान सीधा भक्त को भगवान से नाता रखना चाहिए और बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में ये झूठे तांत्रिक लोगों के चक्कर में कहीं नहीं पड़ना चाहिए। भगवान की आस्था रखोगे निश्चित रूप से सारे कार्य पूर्ण होंगे जी। धनेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह से अंधविश्वास से कैसे बचना चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के अंधविश्वास के जो मामले हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के मामलों में हमेशा हमें सबसे पहले तो किसी मतलब तांत्रिक या उसके चक्कर में किसी भी स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। इससे बचने का सबसे बड़ा साधन है कि आप जो भी अपने जो विश्वसनीय मतलब गुरु है, या तो उसके उसके साथ ही बात करें, अन्यथा जो भी आपके आराध्य देव हैं उनसे प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होगी। वो ये तांत्रिक के तंत्र और मंत्र के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तंत्रों और मंत्रों में भी यानी इतने विरोधाभास है कि आदमी परेशानी में पड़ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतर है कि अपने आराध्य देव की आराधना करें जी। धनेश्वर जी, हमारे साथ में छोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ में जुड़े थे पंडित धनेश्वर जी, जिनका कहना है कि इस तरह के तंत्र मंत्र में ना फंस के भगवान ईश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि इंदौर से ये मामला सामने आया था, जहां एक ढोंगी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि महिला को 5 साल तक बच्चे नहीं हुए, जिसके चलते तांत्रिक ने महिला पर भूत प्रेत का साया बताकर महिला के साथ में दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीएनएन के साथ। नमस्कार।